नेटवर्क डिवाइसेस, हमने टॉपोलॉजी पढ़ ली, हमने बेसिक नेटवर्क्स वगैरह के बारे में नॉलेज ली थी। आज का जो टॉपिक है वो डिवाइसेस है। डिवाइसेस जब आपको कम्युनिकेशंस करने के लिए या कोई नेटवर्क सेटअप करते हैं, ठीक है ना, इधर बैठो यार, इधर मैं लिखूंगा ना तो मैं अड़ जाऊंगा। हाँ, इधर बैठो बस। तो जब कभी मैं डिवाइसेस के बारे में बता रहा हूँ, तो जब कभी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं या हम लोग नेटवर्क सेटअप करते हैं ना, तो वी रिक्वायर द डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस, बिकॉज बिना नेटवर्क डिवाइसेस के हम लोग नेटवर्क की कल्पना ही नहीं कर सकते। वी नेवर इमेजिन द नेटवर्क विदाउट द नेटवर्क डिवाइसेस। वो मैंडेटरी है कि आपको नेटवर्क जरूर डिफाइन करना है। तो डिवाइसेस में सबसे पहला जो डिवाइस आता है उसका नाम है हब, ठीक है ना। लिखना चाहो लिख सकते हो, वरना मैं डॉक्यूमेंटेशन दूंगा आपको। हब एक ऐसा सेंट्रलाइज डिवाइस होता है जो बेसिकली दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करता है। हब इज अ सेंट्रलाइज डिवाइस। हब का अगर मतलब देखोगे ना, हब का मतलब यही होता है सेंट्रलाइज डिवाइस। हब का मतलब यही होता है सेंट्रलाइज डिवाइस। जैसे कहीं आप कभी जाते हो, कहीं लिखा होता है कि दिस इज द फूड हब। फूड हब का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर हर तरीके का खाना मिलता है। कहीं लिखा होता है केक हब, तो वहाँ पर केक, हर तरीके का केक मिलता है। जैसे बेंगलोर इज़ द आईटी हब सिटी, बेंगलोर इज़ द आईटी हब सिटी। इतना मतलब इससे मतलब बेंगलोर में हर तरह की आईटी फॉर्म्स अवेलेबल है, कंपनीज अवेलेबल है। तो हब जो वर्ड आता है ना, हब का मतलब होता है सेंट्रलाइज का। ये ध्यान रखना, हब का मतलब होता है सेंट्रलाइज का। अब हब जो डिवाइस था, इससे बहुत सी चीज़ें होती कम्युनिकेशन के लिए तो यूज़ होता ही है, मगर इसके अंदर एक बात थी कि हब में कभी भी डेटा ट्रांसमिट होता था ना, वो तो ब्रॉडकास्ट की फॉर्मेट में होता था। हब ऑलवेज ब्रॉडकास्ट द डेटा पैकेज। मतलब अगर यहाँ पे हब के साथ कुछ पीसीज अटैच है, ठीक है, हब के साथ मतलब कुछ पीसीज अटैच, तो पीसी में अगर एक ने दूसरे को इन्फॉर्मेशन भेजी, एक ने अगर दूसरे को इन्फॉर्मेशन भेजी, तो वो इसके पास भी जाएगी, इसके पास भी जाएगी, मगर एक्सेप्ट वही करेगा जिसके लिए आएगी, एक्सेप्ट वही करेगा। क्योंकि कंप्यूटर इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस। कंप्यूटर इंटेलिजेंट डिवाइस होते हैं जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट करते हैं जिसके पास, जिसके लिए डेटा आता है। अब बात आती है हब ब्रॉडकास्ट क्यों करता है। ब्रॉडकास्ट याद है ना, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट क्यों करता है, क्योंकि बिकॉज हब नेवर रीड एनी काइंड ऑफ एड्रेस। हब को कोई एड्रेस पढ़ना ही नहीं आता। कंप्यूटर नेटवर्किंग में दो तरह के एड्रेस होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे बात आती है कि हब को कुछ पढ़ने ही नहीं आता। हब नेवर अंडरस्टैंड एनी काइंड ऑफ एड्रेस। तो हब के लिए सब एक बराबर है। ए ने डेटा भेजा बी को, तो बी के पास भी जाएगा, सी के पास जाएगा, दोनों के पास जाएगा। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि हब का नेचर यही था कि हब डेटा वगैरह की इन्फॉर्मेशन वगैरह को ब्रॉडकास्ट करता है, क्योंकि उसको पढ़ना नहीं आता था, उसको पता ही नहीं होता था भाई सामने वाला कौन सा एड्रेस चल रहा है, मैं किस एड्रेस पे इन्फॉर्मेशन भेजूँ, आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं। हब की स्पीड, नॉर्मली हब की स्पीड में बता देता हूँ आपको, 10 Mbps। हब की स्पीड 10 Mbps थी। सोचो 10 Mbps तो पेन ड्राइव भी नहीं चलती आज की डेट में। चलती है पुरानी वाली। तो ये चीज़ थी। और हब के अंदर एक और बात थी कि हब के अंदर जब डेटा ट्रांसमिट होता है ना, वो हाफ डुप्लेक्स मोड पे होता है। हाफ डुप्लेक्स मोड का मतलब मैंने बताया था ना, एक टाइम पे सेंड होता है फिर बाद में रिसीव होता है, वो चीज़ इसके अंदर भी ड्रॉबैक था, ठीक है जी। और ये सारी चीज़ें कमियों के साथ इसलिए इसको आउटडेटेड कर दिया, आउटडेट हो चुका है आज की डेट में। हम यूज़ नहीं करते। हब के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी, हब के अंदर ना एक पोर्ट एक्स्ट्रा होता था। इस पोर्ट का नाम होता था अपलिंक। हब के अंदर एक पोर्ट एक्स्ट्रा होता था जिसका नाम होता था अपलिंक। अपलिंक पोर्ट आप क्यों लगाते थे, जैसे आपने 8 पोर्ट का लिया तो एक 9 पोर्ट एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। तो 9 पोर्ट का मतलब होता अपलिंक टू, आप वहां पे किसी और डिवाइस पे, या अपलिंक और यहाँ पे एक नंबर बना दो, ऐसे एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, तो अपलिंक को एक नंबर पे लगा देते हैं। अपलिंक टू वन, इस तरीके से, ताकि आप एक्सटेंड करना चाहते हो, क्योंकि ये 8 पोर्ट का आता था, तो अगर आप इसे एक्सटेंड करना चाहते हो तो आपको ऐसे यूज़ करना, अपलिंक टू वन, इस तरीके से आप उसे एक्सटेंड कर सकते हो।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हब के कंडीशन में या वैसे नॉर्मल कंडीशन में, एक वर्ड आता है जिसका नाम है कोलिजन। इसका नाम है कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है जब हम कोई डेटा ट्रांसमिट करते हैं, कोलिजन का मतलब होता है जब कभी हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं क्या? कोलिजन का मतलब होता है जब हम लोग कोई डेटा ट्रांसमिट करते हैं, तो याद है मैंने इथरनेट पढ़ाया था आपको, इथरनेट बताया था ना CSMA/CD, तो उसमें मैंने बताया था कोलिजन डिटेक्शन। तो एक ही टाइम पे अगर 7 days आप डेटा सेंड कर रहे हो, दो लोग 7 days डेटा सेंड कर रहे हैं, तो उनकी पॉसिबिलिटी आपस में क्रैश होने की, तो उसे कहते हैं कोलिजन। एक मैंने आपको बताया ब्रॉडकास्ट मतलब एक के पास इन्फॉर्मेशन जाएगी तो सबके पास जाएगी। तो एक वर्ड आता है कोलिजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन, वर्ड आता है कोलिजन डोमेन और दूसरे वर्ड का नाम है ब्रॉडकास्ट डोमेन। डोमेन का मतलब भी मैंने आपको समझाया था कि डोमेन एक एरिया होता है जहाँ पे सर्वर और क्लाइंट का रिलेशनशिप होता है, तो डोमेन वाक्य में एक एरिया होता है, डोमेन अपने आप में एक एरिया होता है जिसमें सब लोग आते हैं, इंक्लूड होते हैं, इंक्लूड। तो हब एक कोलिजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन डिवाइस है, हब एक कोलिजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन डिवाइस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हब के अंदर अगर किसी भी पोर्ट पे कोई कोलिजन हुआ या कोई कोलिजन सेंड हुआ, तो वो इधर भी इफेक्ट करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, और यहाँ से होते हुए वो इधर भी करेगा और यहाँ पे जितने भी लगे होंगे उनको भी करेगा। बिकॉज हब एक ये सारे के सारे हब एक ही कोलिजन के अंदर आते हैं। जैसे आप लोग सब बैठे हो, मैं कह दूँ अच्छी है मुझे एटिकेट्स नहीं है, मैंने तो छींक मार दी, वायरल छोड़ दिया, तो तुम लोग सभी अभी एक कोलिजन के तो आ रहे हो, एक ही डोमेन में तो हम सारे, तो वायरल इफेक्ट कर सकता 100% वायरल चल रहा है, बीमार हो गया भाई, बुखार चल रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, ध्यान रखना अपना, मेरी भी हालत थोड़ी ख़राब हो रही है, पता नहीं है छुट्टी हो सकती है भाई, तो ध्यान रखना। तो ये क्या है? क्योंकि हम सब लोग एक ही कोलिजन के अंदर आ रहे हैं, तो अगर कोई भी यहाँ पे कुछ ऐसा गलत चीज़ हुई, मिसहैपनिंग हुई, तो मिसहैपनिंग सबको इफेक्ट करेगी, इसे कहते हैं सिंगल कोलिजन डोमेन। अब कोई ब्रॉडकास्ट हुआ, यहाँ से कोई ब्रॉडकास्ट हुआ, तो ब्रॉडकास्ट यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। क्योंकि हब के अंदर ये बात भी थी कि वो किसी ब्रॉडकास्ट को ना सबके पास फैला देता था, क्योंकि क्यों? क्योंकि हब को कोई एड्रेस पढ़ना ही नहीं आता, तो इसलिए ये वर्ड ध्यान रखना, इंटरव्यू में कई बार पूछे जाते हैं कोलिजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन। इफ द कोलिजन ऑकर एंड दे इफेक्ट ऑल द डिवाइसेस विच इज कनेक्ट टू द मेन, जो भी स्विच होगा, हब होगा, वट एवर, अगर वो सबको इफेक्ट कर रहे हैं, इट मीन दिस इज सिंगल कोलिजन। एक्चुअली मैंने वो बात बताया था लास्ट टाइम आपको कि आप एक डेटा सेंड जब कर रहे होते हो, हाँ अब ये पाथ होता है, अब आप यहाँ बैठे हो और कोई होता है यहाँ बैठा हुआ है, एक ही नेटवर्क में आप दोनों, आपने देखा डेटा में कुछ भी नहीं है नेटवर्क, आपने भेज दिया 7 days में भेज दिया, अब दोनों आपस में कोलाइड हो गए, टकरा गए, ये पॉसिबिलिटी है, होता नहीं है क्या? एक टाइम पे हम दोनों एक साथ बोलना शुरू कर दें तो तीसरे बंदे को तो समझ ही नहीं आया, और तेरी बात मुझे नहीं आएगी, मेरी बात मुझे नहीं आएगी, कोलिजन। पर मैं बोल रहा हूँ तुम चुप हो, तो तुम समझ आ रहे हैं, तुम बोलते मैं चुप हो जाता हूँ, तुमको समझ आ जाता है। कोलिजन किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, वायरस क्या है? वायरस अपने आप में कोलिजन है, जिसकी वजह से डेटा लॉस हो जाता है, पैकेट लॉस हो जाता है, इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाता है, दिक्कत आती है, फिर एक दिक्कत है, कोलिजन है भाई एक तरीके। तो हब अगर आपने लगा रखा है ना, अगर आपने हब डिवाइस लगा रखा है, तो अगर कोलिजन आया सबका सत्यानाश, और अगर किसी को ब्रॉडकास्ट तो है ही है भाई, कहता है ब्रॉडकास्ट आएगा तो मैं तो सबको ही भेजूंगा भाई, मुझे तो पता ही चलता ही नहीं है, तो मैं तो सबको भेज दूंगा। दो तरह के हब आते हैं, एक हब होता है एक्टिव, दूसरा होता है आपका पैसिव। एक्टिव हब ऑलवेज नीड पावर, मतलब एक अडैप्टर लगता है ब्लैक रंग का और उसको पावर का अडैप्टर आप उसमें लगा देते हो एक्टिव हब में, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेप्लिकेट होगी ना, वो बाय द हेल्प ऑफ पावर आराम से चल सकती है।
पर पैसिव होम नेवर नीड पावर, पैसिव होम में पावर की जरूरत नहीं होती है, बिना पावर के चलता है। इसलिए हमेशा पैसिव होम चार पोर्ट का आएगा, चार पोर्ट से बड़ा आज तक पैसिव होम आया ही नहीं। पैसिव होम आज तक चार पोर्ट का आया, चार पोर्ट से ज्यादा आया नहीं, क्यों वजह बता सकते हो भाई? कभी भी आप देखोगे पैसिव भाव हमेशा चार का मिलेगा, चार से ज्यादा नहीं मिलेगा, क्यों वजह क्या है? पावर मतलब पावर नहीं होती इसलिए चार का, तो वो तो ठीक है, मगर आठ का भी बना सकते थे, छः का बना सकते थे, पाँच का बना सकते थे, तो है बिना पावर के लिमिटेशन चार है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया हब के अंदर अगर कोई आप डेटा ट्रांसमिट करते हो वो ब्रॉडकास्ट की नेचर में होता, मतलब वन टू। अगर ये पैसिव हब आठ पोर्ट का होता तो अगर मैं पहले नंबर से डेटा भेजता आठवें वाले, उसके अंदर पावर तो है ही नहीं, तो आठवें तक पहुँच पाता, पहले दम घुट जाता उसका, क्यों? क्योंकि दूसरे में भी जाएगा, तीसरे में भी जाएगा, चौथे में भी जाएगा, पाँचवें में भी जाएगा, छठे में भी जाएगा, सातवें में भी जाएगा, आठवें में मर जाएगा, कभी चार का बनता है, क्योंकि चार तक फ्रिक्वेंसी जो डेटा की फ्लो की फ्रिक्वेंसी है ना उससे कोई टेंशन नहीं होती। आपने इसका एग्जांपल देखा होगा, एग्जांपल आपने देखा होगा जब कभी किसी के पास प्रिंट आउट या फोटो स्टेट कराने जाते हो, भैया ने क्या कर रखा होता है पीछे ना यूएसबी के थ्रू एक चार पोर्ट वाला यूएसबी लगा रखा होता है जहाँ पे आप पेन ड्राइव लगाते हो आगे, कभी चेक करना चार पोर्ट का मिलेगा, चार पोर्ट से ज़्यादा का मिलेगा ही नहीं, चार पेन ड्राइव वाला ही आता है हमेशा, चार यूएसबी वाला हब आता है उसे कहते हैं फोर पोर्ट यूएसबी हब, फोर पोर्ट यूएसबी हब कहते हैं उसको, हमेशा चार ही मिलेगा, चार से ज़्यादा आज तक तुमने देखा ही नहीं होगा, ऐसा लंबे वाला हो सकता है, ऐसा गोल में हो सकता है, चार से ज़्यादा कभी देखा, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि चार साइमल्टेनियसली एक साथ चल सकते हैं, हालांकि यूएसबी के साथ हम 127 डिवाइस लगा सकते हैं, यूएसबी के साथ हम 127 डिवाइस लगा सकते हैं, वो ऐसे ही लगते हैं, एक के साथ चार, चार के साथ एक, एक के साथ चार, चार के साथ एक, ऐसे ऐसे 127 डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसलिए पैसिव हब हमेशा चार पोर्ट का आया, चार पोर्ट आने की वजह यही थी कि जब हम लोग डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो वो अपने डेस्टिनेशन तक एक्यूरेट फॉर्मेट पे पहुँचे, तो पावर नहीं है तो दिक्कत हो सकती है, पावर नहीं है तो दिक्कत हो सकती है, इस वजह से उसे फोर पोर्ट का ही बनाया। ठीक है जी, क्लियर है? अब हब के अंदर इतने सारे ड्रॉबैक्स थे, स्पीड बड़ी कम थी, हैं पोल्यूशन भी आता था, सबके पास जाता था, और आपको पढ़ना नहीं आता था जिसकी वजह से वो ब्रॉडकास्ट करता था। अब एक टाइम पे कोई बंदा डेटा सेंड कर रहा है, बाकी लोग रिसीव, मतलब जो वो सेंड कर रहा था रिसीव नहीं कर, साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते, ये इशू था, इसलिए हब को आउटस्ट्रिप कर दिए। क्या बनाया? ये भी एक सेंट्रलाइज हब ही कहता है, और इस हब का नाम है स्मार्ट हब। ये भी एक हब की तरह ही है मगर इसका नाम है स्मार्ट हब, इंटेलिजेंट। व्हाई वी आर कॉल्ड स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट? बिकॉज दिस काइंड ऑफ स्विच रीड द मैक एड्रेस, और ये अपने पास बनाता है एक टेबल जिसको कहते हैं कैम टेबल, कैम कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, मतलब स्विच कैन रीड द मैक एड्रेस, मैक एड्रेस इज नोन एज फिजिकल एड्रेस ऑफ योर डिवाइस, मतलब आपके डिवाइस का ये फिजिकल एड्रेस पढ़ सकता है, इट कैन बी पॉसिबल, आसान है उसके लिए पढ़ना भाई मेरे किस पोर्ट पे कौन सा डिवाइस चल रहा है, आई कैन रीड आउट, और उसको कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक की फुल फॉर्म, और कैम की कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी।
मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है जी, मैक एड्रेस और कैम टेबल, ये दोनों का बड़ा ताल्लुक होता है स्विच के साथ। ठीक है ना, मैक एड्रेस मतलब स्विच को ये पता लगता है कि मेरे किस पोर्ट पे कौन सा डिवाइस चल रहा है, उसका मैक एड्रेस क्या है, उसको पता होता है। हब को ये चीज़ नहीं पता थी, इसलिए हब ब्रॉडकास्ट करता था। अब स्विच को ये चीज़ें पता लगने वो लग गई ना, इसलिए स्विच कैन यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट मतलब पहले स्विच क्या करता है, जितने भी इसमें पीसीज लगे होंगे ना, इन सबको अपने टेबल में स्पेस दे देगा, इन सबको अपने टेबल में स्पेस दे देगा कि पहले नंबर पे क्या लगा है, दूसरे पे क्या लगा, तीसरे पे क्या लगा, चौथे पे क्या लगा, उनके मैक एड्रेस की एंट्री भी कर लेगा। मैक एड्रेस की एंट्री भी पता होगा कि मेरे किस पोर्ट पे क्या क्या लगा हुआ, उसकी क्या क्या चीज़ें, सब सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसके पास रहती है। ताकि अगर आपको इससे कम्युनिकेट करना है तो ये डायरेक्ट यूनिकास्ट कर देगा। अगर इसके थ्रू आप इसको इसको कम्युनिकेट कराना है तो ये क्या करेगा, ये मल्टीकास्ट ही कर देगा। बट अगर स्विच के पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती नहीं, और स्विच के पास जब इन्फॉर्मेशन जनरेट करनी होती है तो वो यहाँ भी भेजेगा, यहाँ भी भेजेगा, यहाँ भी भेजेगा, यहाँ भी भेजेगा, तो वो ब्रॉडकास्ट। इसलिए कहते हैं कि स्विच कैन यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। स्विच कर सकता है वन टू वन कम्युनिकेशन, स्विच के थ्रू हम लोग वन टू वन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, स्विच के थ्रू हम वन टू मैनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और स्विच के थ्रू हम वन टू ऑल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पर हर कंडीशन में ये चीज़ ध्यान रखना, पहली बार स्विच करेगा ब्रॉडकास्ट, क्योंकि स्विच के पास फर्स्ट टाइम पे कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं होती, उसको पता ही नहीं होता भाई कि भाई मेरे कौन से पोर्ट पे, दे नेवर नो मेरे कौन से पोर्ट पे कौन सा डिवाइस लगा हुआ है, उसका क्या मैक एड्रेस है, मानने ना मेरा। इसलिए वो क्या करेगा, वो ब्रॉडकास्ट कर देगा। भाई अगर मान लो एक नंबर ने कहा कि मुझे चार नंबर से कम्युनिकेशन करना है, पर मुझे चार नंबर का मैक एड्रेस नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे चार नंबर का मैक एड्रेस नहीं पता, अब स्विच क्या करेगा, वो अपनी कैम टेबल में चेक करेगा, और उसकी कैम टेबल के अंदर उसके पास भी मैक एड्रेस नहीं था, तो वो सब पे क्या करेगा, एक पैकेट भेजेगा और सबको बोलेगा कि भाई आपका नंबर चार अपना मैक एड्रेस दे दो, आपका नंबर चार है अपना मैक एड्रेस दे दो, आपका नंबर चार है अपना मैक एड्रेस दे दो, आपका नंबर चार है अपना मैक एड्रेस दे दो। तो जिसका चार होगा वो कहा, हाँ यार मैं तो हूँ चार, बोल क्या कर सकता हूँ मैं तेरे लिए, मैं चार नंबर हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ तेरी रिक्वेस्ट को, ये ले मेरा मैक एड्रेस। अब वो मैक एड्रेस स्विच क्या करेगा, अपनी कैम टेबल में सेव कर लेगा। स्विच क्या करेगा, अपनी कैम टेबल के अंदर उस मैक एड्रेस को सेव कर लेगा। सेव इसलिए कर लेगा ताकि नेक्स्ट टाइम भाई, नेक्स्ट टाइम अगर कोई बंदा कम्युनिकेशन करे तो मैं उसको उसी चीज़ उसी एड्रेस पे पहुँचा दूँ जो उसको चाहिए, तो सेव करके अपने पास सेव करके रख लेगा, और रखने के बाद कम्युनिकेशन कराएगा मल्टीकास्ट। कि अब अगर एक से ज़्यादा लोगों के पास भेजेगा, क्योंकि अब दो लोगों की एंट्री तो आ गई एक और चार की, अब बचा दो तीन पाँच बचे, अब दो ने भेजा पाँच को, तो क्या होगा मल्टीकास्ट, क्योंकि अब बाकी एक और चार पे नहीं जाएगा, क्योंकि एक और चार का एड्रेस तो आ ही गया ना, तो बाकियों पर जाएगा, तो इसे कहते हैं वन टू मैनी मतलब मल्टीकास्ट। और जब सारा कम्युनिकेशन जब सब बन गया तो आपको एक से चार को भेजो या दो से पाँच को भेजो, आराम से चला जाएगा और डायरेक्ट जाएगा, उसे कहते हैं यूनिकास्ट। कि हमें पता लग गया, पहले आप आए थे फर्स्ट डे आपको क्लास का नहीं पता था, हैं, तो आप बस आके बैठ गए, उसके बाद क्या हुआ, क्लास का पता लगा, फिर पता लगा कितने स्टूडेंट्स हैं, फिर उसके बाद नए स्टूडेंट भी कोई ऐड हुए, फिर ऐड होने के बाद आप देख लो यूनिकास्ट है, वन टू वन सबको जाना चल रहा, ठीक है जी। तो ये चीज़ प्लस वही दोनों चीज़ें ब्रॉडकास्ट एंड कोलिजन, ये भी उसी है, इसके अंदर भी हो, पर इसमें एक खासियत है, स्विच को पढ़ना आता है ना, मैक एड्रेस रीड करना आता है ना, इसलिए स्विच है मल्टीपल कोलिजन ऑन, ठीक है ना, ऑन स्विच देर इज अ मल्टीपल कोलिजन, या सिंग नॉर्मल भाषा में के स्विच के हर पोर्ट का अपना अलग सेपरेट कोलिजन होता है, देर इज अ सेपरेट कोलिजन ऑन ईच पोर्ट, हर पोर्ट का अपना खुद का कोलिजन होता है, मतलब अगर कोई कोलिजन आया तो वो यहीं आएगा, बस इसको इफेक्ट करेगा और किसी को करेगा, क्योंकि उसको पता है वही एड्रेस क्या है, तो एड्रेस वही कोलिजन आया तो पर्टिकुलर एड्रेस को इफेक्ट करेगा, वो एड्रेस को इफेक्ट करेगा, वही तक खत्म होगा और कुछ।
बट दूसरी चीज, अगर कोई ब्रॉडकास्ट आया तो ब्रॉडकास्ट यहाँ भी जाएगा, 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 यहाँ भी जाएगा। क्यों? क्योंकि स्विच को ब्रॉडकास्ट करना आता है। स्विच को ये नहीं, स्विच जो ब्रॉडकास्ट तुम दोगे स्विच को तो ब्रॉडकास्ट कर सकता है ना, तो ब्रॉडकास्ट कर दे। पर जब कभी कुछ ऐसी चीज आई, यूनिकास्ट मल्टीकास्ट वाली चीज आई, कोलिजन आया, तो वो वहीं तक सीमित रहने का झांके के लिए आया और बाकियों को इफेक्ट नहीं करता। वही वाली बात, मैंने अब छींक मारा और मैंने उसको हाथ रख के मारा या रुमाल रख के मारा, सेपरेट कर दिया ना मैंने, तुम बीमार हो गए नहीं हो, सेपरेट हो गए। ठीक है जी, जैसे कि मान लो ये हब है, ठीक है ना, ये हब का सिंबल होता है, ये हब है, ठीक है। अगर इन दोनों हब को मैंने आपस में जोड़ दिया तो कितने कोलिजन और कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन होंगे, टेल मी। अगर इस हब को इस हब के साथ मैं जोड़ दूं तो कितने कोलिजन और कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन होंगे? इसमें इसमें आठ पोर्ट है, इसमें आठ पोर्ट है और दोनों को मैंने आपस में जोड़ दिया, कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने होंगे? ब्रॉडकास्ट 64 कोलिजन। इस हब को मैंने इस हब के साथ जोड़ दिया तो आप कह रहे हो 64 ब्रॉडकास्ट, 64 ब्रॉडकास्ट, 64 कोलिजन। सोचो, थिंक थिंक थिंक। समझा नहीं ना, मतलब वही तो पूछ रहा हूँ, कितने कोलिजन कितने ब्रॉडकास्ट, या तो फिर जो पहले पढ़ाया आपको समझ ही नहीं आया इसका मतलब। और ब्रॉडकास्ट सही तो कहा उसने, गलत थोड़ी कहा है उसने, सही तो बोला है। क्या बोला मैंने आपको कि दो हब को आपने एक साथ जोड़ा है, तो हब क्या था, सिंगल कोलिजन एंड सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन था, तो दो हब को तुम जोड़ रहे हो तो ये दोनों हब एक ही कोलिजन है, तो इधर भी कोई कोलिजन है तो उधर भी इफेक्ट करेगा, उधर ही आएगा इधर भी इफेक्ट करेगा, तो दोनों को इफेक्ट करेगा तो कोलिजन एक ही हुआ। और ब्रॉडकास्ट में इधर ब्रॉडकास्ट आएगा उधर भी जाएगा, उधर जाएगा इधर भी आएगा, सिंपल बात है, एक ही तो हुआ, हम सब एक ही में तो आ गए, ये पूरा का पूरा नेटवर्क एक ही में तो आ गया। अगर मैं इसके बीच में लगाऊँ स्विच, ये स्विच, ये लगाते हैं स्विच, अब कितने कोलिजन और कितने ब्रॉडकास्ट होंगे? कितने? दो कोलिजन और ब्रॉडकास्ट, एक कोलिजन तो इसका हो गया और एक कोलिजन इसका हो गया, ठीक है जी। और जितने पोर्ट लगाए होंगे उनके अपने अपने कोलिजन तो होंगे होंगे स्विच के, और अभी मैंने एक एक अटैच किया, ठीक है, वो बिल्कुल सही, एक कोलिजन सेपरेट उसका, एक कोलिजन सेपरेट उसका, क्योंकि अगर कोई कोलिजन यहाँ आया तो वो यहीं तक रहेगा, स्विच से आगे नहीं जाएगा, और ये यहाँ से कोई कोलिजन है को यहीं तक रहेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। ब्रॉडकास्ट कितना होता है? सर ब्रॉडकास्ट तो सिंगल होगा ना सर, यहाँ से सिंपल बात, ये ब्रॉडकास्ट सबका सिंगल होगा, क्यों? क्योंकि स्विच भी ब्रॉडकास्ट करता है, हब भी ब्रॉडकास्ट करता है, तो ब्रॉडकास्ट अगर यहाँ आया तो यहाँ से आके यहाँ भी जाएगा और यहाँ से आने के बाद यहाँ भी जाएगा, सब पे जाएगा। तो तीन, दो आपके कोलिजन डोमेन और एक ब्रॉडकास्ट, बस ये ध्यान रखना, ये चीज़ें ध्यान रखने वाली है कि अगर आप स्विच यूज करते हो तो उसके हर पोर्ट पे अपना सेपरेट 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 कोलिजन होता है, पर आप जब ब्रॉडकास्ट की बात करते हो तो ब्रॉडकास्ट जितने भी होंगे सब एक में ही आएंगे, चाहे कितने भी डिवाइस लगा दो आप, चाहे कितने भी डिवाइस लगा दो। दोबारा बता देता हूँ, कोलिजन डोमेन का मतलब जब कभी कोई कोलिजन, जब भी कभी किसी डेटा का टकराना आपस में कुछ भी होता है, कोलिजन होता है, तो वो कोलिजन अगर इफेक्ट करता है सबको, इफेक्ट करता है सबको, तो ये सिंगल कोलिजन होता है। अगर वो हर पोर्ट का अलग अलग है तो वहाँ पे मल्टीपल हो गया, मल्टीपल कोलिजन, उसे कहते हैं मल्टीपल कोलिजन, मल्टीपल कोलिजन। और जब कभी कोई ब्रॉडकास्ट आए, वो ब्रॉडकास्ट वहीं तक सीमित हो, तो वो तो सेपरेट हो गया, पर वो ब्रॉडकास्ट सबको इफेक्ट करे तो वो सिंगल हो गया,
सिंगल कोलिजन, सिंगल ब्रॉडकास्ट और मल्टीपल कोलिजन स्विच, सिंगल ब्रॉडकास्ट सिंगल कोलिजन हब, हब की कंडीशन में दोनों सिंगल है। सिंगल का मतलब ये नहीं है आठ पोर्ट, तो भाई आठ पोर्ट एक ही है, उसके लिए फिजिकली आठ होंगे मगर कोलिजन के लिए एक होगा, ब्रॉडकास्ट के लिए एक होगा। ये बस सोचो कि सर आठ और आठ सोलह होते हैं तो सोलह कोलिजन होने चाहिए ना, स्विच लगे वो लगा होगा ना आठ आठ पोर्ट का, तो ये स्विच के कंडीशन में कह सकते हैं कि आठ कोलिजन होंगे क्योंकि आठ और आठ सोलह कोलिजन होंगे क्योंकि स्विच के हर पोर्ट का अपना अपना सेपरेट होता है। यही इंटरव्यू में क्वेश्चन घुमाने वाले पूछे जाते हैं, थोड़ी सी आपके भी दिमाग घूम रहा हो कोलिजन में और ब्रॉडकास्ट में, पर आप ध्यान रखना ये आपसे पूछा जा सकता है। आज की डेट में स्विच की स्पीड 1 Gbps भी अवेलेबल है, स्विच फुल डुप्लेक्स मोड में भी काम करता है, स्विच कैन रन ऑन द फुल डुप्लेक्स मोड, मतलब एक टाइम पे आप डेटा सेंड कर रहे तो आप डेटा रिसीव भी कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें, दो तरह के स्विच आते हैं, एक होता है मैनेजेबल, एक होता है नॉन मैनेजेबल। एक होता है मैनेजेबल जो आपके सामने आके चार, ये चार मैनेजेबल स्विच है। मैनेजेबल स्विच का मतलब दैट स्विच इज मैनेज बाय एडमिनिस्ट्रेटर बाय हैंड, एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, उसके हाथों के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है, ठीक है ना। इट इज मैनेज बाय हैंड, ठीक है ना, थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर इसको मैनेज करता है। बट नॉन मैनेजेबल, दैट इज नॉन मैनेजेबल, बस इट इज ओनली यूज टू कनेक्टिविटी। जैसे आपके घर में जो आपके मॉडेम लगा होता है उसके पीछे चार पोर्ट भी लगे होते हैं, पता है, चार पोर्ट से आप चार पीसी कनेक्ट कर सकते हैं, आईपी एड्रेस दे के आप कम्युनिकेशन करा सकते हैं, तो क्या नॉन मैनेजेबल है, उसमें किसी तरह की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते आप, कमांड नहीं चला सकते। इन स्विचों में आप कमांड चला सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका नाम होता है iOS। तो दो तरह के स्विच होते हैं, मैनेजेबल और नॉन मैनेजेबल। मैनेजेबल स्विच को हम मैनेज कर सकते हैं और नॉन मैनेजेबल को हम मैनेज नहीं कर सकते। क्लियर, कुछ डाउट पूछना है स्विच के लिए तो पूछ सकते हो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ आया स्विच, हब और डिफरेंस, हब में और स्विच में डिफरेंस बता सकते हो, पक्का लॉक कर दूं, श्योर, चलो ये बाद में पूछूंगा। तो ध्यान रखना स्विच को एक नाम से और जाना जाता है, उसको कहते हैं लेयर टू डिवाइस। अभी एक्चुअली मैंने OSI नहीं पढ़ाया आपको, OSI में ना सात लेयर होती है, तो सात लेयर में नीचे वाली दूसरी जो लेयर होती है ना उसे कहते हैं डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पे स्विच काम करता है कि स्विच वर्क ऑन अ फ्रेम बेसिस, स्विच के अंदर फ्रेम चलते हैं तो फ्रेम बेसिस पे काम करता है और डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम ही होता है, तो इसलिए इसको लेयर टू डिवाइस कहते हैं और हब को लेयर वन, क्योंकि वो फिजिकल लेयर पे चलता है, वो सिर्फ एक डिवाइस है, उसके अंदर कुछ पढ़ने वढ़ने वाली आदत नहीं है ना, इसलिए वो लेयर वन पे चलता है, ठीक है ना, लेयर वन मतलब फिजिकल लेयर। अब तीसरा जो डिवाइस आ रहा है उसका नाम है रूटर या राउटर। हालांकि इससे पहले भी एक डिवाइस आया, उससे पहले वाले डिवाइस को कहते थे ब्रिज, एक डिवाइस आया था ब्रिज। ब्रिज क्या था, एक सॉफ्टवेयर डिवाइस था, मतलब सॉफ्टवेयर इन द सेंस उसके अंदर सॉफ्टवेयर के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन की जाती थी और सॉफ्टवेयर के थ्रू उसे ऑपरेट किया जाता था, मगर एक ड्रॉबैक था स्विच उसके अंदर, ब्रिज के अंदर क्या होता था, ब्रिज ना दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को सेगमेंट मानता था, सेगमेंट ब्रिज वर्क होना सेगमेंट बेसिस पे काम करता था, इसलिए कई बार इसको ब्राउटर भी बोलते हैं, ब्राउटर, ब्रिज को ब्राउटर बोला जाता है, क्यों, क्योंकि वो एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से कम्युनिकेट कराता है। जैसे राउटर क्या यूज़ करते हैं हम लोग, राउटर क्यों यूज़ करते हैं, राउटर इज़ यूज टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टुगेदर, दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए आप राउटर यूज़ करते हो। जैसे आपके घर पर आप फेसबुक चलाते हो, जीमेल चलाते हो, हॉटमेल चलाते हो, ये चलाते हो, वो चलाते हो, तो वो क्या आपके घर की है, वो डिफरेंट नेटवर्क की है, तो उस डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेशन कराने के लिए आप क्या करते हो, राउटर लगा। बिना घर में राउटर के इंटरनेट चल जाएगा, टेल मी, तो राउटर क्या देता है आपको, रूट। पर ब्रिज की कंडीशन में ऐसा नहीं था, ब्रिज की कंडीशन में हम लोग सेगमेंट्स बनाते थे और वो सेगमेंट बेसिस पे काम करता था। बट प्रॉब्लम क्या थी ब्रिज के साथ, वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होने की वजह से ना कई बार उसके ऊपर वायरस अटैक मार देते थे और वो ख़राब हो जाता था,
ठीक है ना, और भी बहुत सारी ड्रॉबैक्स होती थी ब्रिज के अंदर, बहुत सारे। इसलिए ब्रिज को हटा दिया, उसकी जगह लाया गया, उसकी जगह लाया गया राउटर। अब राउटर इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, मतलब ये आपका एक अलग नेटवर्क है, मान लो ये दिल्ली का नेटवर्क है और ये आपका चेन्नई का नेटवर्क, ठीक है। अब दोनों नेटवर्क्स को आपस में आपको जोड़ना है तो आपको राउटर लगाना पड़ेगा। दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए वी नीड अ राउटर। राउटर इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टुगेदर, सिंपल भाषा में। ऐसा क्या होता है भाई राउटर में जो दो दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ देता है? इसके अंदर होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसे कहते हैं आईपी टेबल, या कई लोग इसे बोलते हैं क्या, राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल मतलब आपको क्या पता लगता है, आईपी आईपी रूट, मतलब रूट्स की इंफॉर्मेशन। अच्छा सर, स्विच मैक केबल पे काम करता है और राउटर आईपी टेबल। आजकल वैसे एक ऐसे स्विच आ रहे हैं जो आईपी और मैक दोनों पे चलते हैं, उन्हें कहते हैं लेयर थ्री स्विच, उनका नाम है लेयर थ्री स्विच। यहाँ लगे हुए पैंतीस सौ साठ छत्तीस सौ सीरीज जितनी भी है ना वो लेयर थ्री है। ये महंगी इसलिए ज़्यादा आते हैं, एक एक लाख रुपये के डिवाइसेस है, क्योंकि इनमें आप स्विचिंग के साथ राउटिंग भी कर सकते हैं, बस दो कमांड लिखनी होती है जिसकी वजह से ये राउटर बन जाता है। बस पोर्ट्स थोड़े से अलग लगाने पड़ते हैं आपको, पोर्ट्स अलग लगते हैं, पोर्ट्स इसमें वो पोर्ट नहीं लग पाएंगे जो पोर्ट हम राउटर में यूज़ करते हैं ना, पोर्ट्स वो पोर्ट नहीं, जो पोर्ट आप देख रहे हैं वो खाली खाली जगह है, वो इसमें ऐसे नहीं होती, इसे फिक्स होता है, ठीक है जी। तो कहता है राउटर इज यूज टू प्रोवाइड अस द रूट, रूट ऑफ द रिमोट नेटवर्क। भाई मुझे रिमोट नेटवर्क के बारे में नॉलेज नहीं है, आई डोंट नो, मुझे पता है फेसबुक कहाँ पर है ना, नाम सुना है यूएसए में कैलिफोर्निया के अंदर है भाई, और पता है एग्जैक्ट कहाँ पर है ना, पर फेसबुक के सर्वर से तो कनेक्ट हो जाता बाय द हेल्प ऑफ राउटर, क्योंकि राउटर हमें क्या देता है, रास्ता, रूट, और रूट की वजह से हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है। तो राउटर ऑलवेज प्रोवाइड अस द रूट जिसकी वजह से हमारी एक दूसरे के बीच में कनेक्टिविटी हो जाती है, और इसी रास्ते की वजह से हम दो आपस में कनेक्टिविटी करके कम्युनिकेशन कर पाते हैं। क्योंकि अगर राउटर की या रूट पे आपको बोलता हूँ, अगर आप एप्ट्रॉन का रास्ता नहीं जानते, आप तो एप्ट्रॉन का रास्ता नहीं जानते तो क्या आप पहुँच जाते? अरे पहुँच पाते नेवर, अब यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाते, आपको यहाँ पर रास्ता ही नहीं पता होता। तो आपने फर्स्ट टाइम क्या हुआ, रूट को डिस्कवर किया, फर्स्ट टाइम आपने रूट को डिस्कवर किया, या तो गूगल मैप पे खोला या फिर आप यहाँ पे उतरे के पूछ के आ गए, और सेकंड टाइम आपको वो रूट की इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपने उसको अपनी कैशे में रख लिया, मेमोरी में सेव कर लिया, सेकंड टाइम आपको उसकी ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सेकंड टाइम डायरेक्ट ही कनेक्ट, सेकंड टाइम आप डायरेक्ट ही कनेक्ट हो गए, कोई इशू ही नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट हुई, ठीक है जी। राउटर के अंदर राउटिंग टेबल की वजह से एक प्रोटोकॉल होती है जिसे हम कहते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल, उस राउटिंग प्रोटोकॉल की वजह से बनती है रूट की टेबल, और राउटिंग टेबल के साथ साथ एक स्टैटिक राउटिंग भी चलती है, जहाँ पे हम लोग प्रोटोकॉल का यूज़ ना करके ना खुद बता देते हैं सामने वाले का क्या है। तो बाय द हेल्प ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स या स्टैटिक राउटिंग वी कैन डिफाइन द रूट्स, ये हमारा राउटर में जब राउटिंग पढ़ेंगे ना प्रैक्टिकल करेंगे तो और आएगा इसके बारे में। अब राउटर ना जिस एड्रेस को पढ़ता है उस एड्रेस का नाम है आईपी, राउटर अंडरस्टैंड द आईपी एड्रेसेस, दैट्स व्हाई दिस इज अ लेयर थ्री डिवाइस। हम इनको स्विच को, ये स्विच होंगे नेटवर्क होगा, इनको कहेंगे L2, इसको कहेंगे L3, इसको कहेंगे L2। L2 मतलब होता है आपका LAN, इसका मतलब आपका क्या होता है LAN, और इसका मतलब आपका क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ISP की तार आती है, ISP की तार आती है, जहाँ मैंने बोला था ना जहाँ ISP आ जाता है वो WAN होता है, और जहाँ आपका पर्सनल नेटवर्क है वो LAN। तो दो डिफरेंट लैंड्स को जोड़ने के लिए वैन चाहिए होती है, ठीक है ना। तो आई भी मिलते हैं, तो बहुत सी चीज़ें मिलती है, वो तो प्रैक्टिकली हम करेंगे तो आपको थोड़ा और डीपली समझ आएगा, पर अभी आप ये समझो कि राउटर के अंदर हम लोग राउटिंग करते हैं, मतलब आईपी टेबल्स बनाते हैं, डिफरेंट रूट्स की इन्फॉर्मेशन डालते हैं ताकि एक नेटवर्क का बंदा दूसरे नेटवर्क में पहुँच सके। पर राउटर ना बड़ा सेल्फिश है, राउटर बड़ा सेल्फिश है। सेल्फिश कैसे,
ध्यान से समझना, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमने दूसरा स्विच लगा दिया और बीच में लगा दिया राउटर, ठीक है। अब ये देखा जाए तो ये ब्रॉडकास्ट एक ही होता है ना, सिंगल ब्रॉडकास्ट। अब मान लो यहाँ से कोई ब्रॉडकास्ट आया तो वो राउटर से होता हुआ यहाँ पे चला जाना चाहिए, जाना चाहिए ना, जाना चाहिए, क्योंकि बोले आपको बताया था कि ब्रॉडकास्ट का नेचर क्या होता है, वन टू ऑल, सबके पास जाएगा। तो इन तो इसकी कनेक्टिविटी इसके साथ है, इसकी कनेक्टिविटी इसके साथ है, तो जब इससे कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुँचेगी तो ये इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ भी पहुँचा सकता है ना, पहुँचा सकता है, पर राउटर ऐसा नहीं करता। कहता है आई कैन ब्रॉडकास्ट बट आई नेवर फॉरवर्ड द ब्रॉडकास्ट। मतलब अगर यहां से कोई ब्रॉडकास्ट आया तो साले को यही रोक दूंगा, आगे नहीं जाने दूंगा, बट हाँ मेरे पास अगर कोई ब्रॉडकास्ट हुआ ना तो मैं दोनों को दे दूंगा। मतलब कहता है आई कैन ब्रॉडकास्ट बट आई नेवर फॉरवर्ड द ब्रॉडकास्ट। सेल्फिश है भाई साहब, मैं ब्रॉडकास्ट कर सकता हूं पर किसी के दिए हुए ब्रॉडकास्ट को किसी को आगे दे दूं। तो राउटर हमेशा टर्मिनेट द ब्रॉडकास्ट, फॉरवर्ड इट, मतलब जो फॉरवर्ड होने के लिए आया उसको टर्मिनेट कर देता है। पर राउटर कैन ब्रॉडकास्ट जब उसकी राउटिंग टेबल होती है। आप अपने रूटों की टेबल अपने पड़ोसियों को तो देगा ना कि भाई अगर तुझे यहाँ जाना तो यहाँ से आ जाइए, तो तुझे यहाँ जाना तो यहाँ से आ जाइए। साला उनको रास्ता बताने के लिए तो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, मगर बेचारे स्विच ने बोला कि ब्रॉडकास्ट कर दे, पड़ोसी को दे दे, कहता ना टर्मिनेट, तेरे ब्रॉडकास्ट को मैं आगे जाने दूँ। सेल्फिश, ये इसके सेल्फिशनेस। और अच्छा अब हमारा ब्रॉडकास्ट टूट गया, अब कितने ब्रॉडकास्ट हुए यहाँ पे, अब यहाँ पे दो डिफरेंट ब्रॉडकास्ट हुए, एक ब्रॉडकास्ट ये अलग, एक ये ब्रॉडकास्ट अलग। मतलब पहले क्या हो रहा था, पहले ब्रॉडकास्ट तो एक ही हो रहा था, अब यहाँ ब्रॉडकास्ट डिवाइड हो गया, अच्छा हो गया, क्योंकि नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट ना सबसे इलीगल टर्म माना जाता है। नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, ब्रॉडकास्ट का मतलब कंजेक्शन, ब्रॉडकास्ट का मतलब जो आपके बैंडविड्थ को ज़्यादा चूसेगा, खींचेगा, हैवी करेगा, इस वजह से ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना राउटर की सिचुएशन में, कि राउटर कैन ब्रॉडकास्ट पर राउटर नेवर फॉरवर्ड द बोर्ड। सर अगर राउटर ब्रॉडकास्ट करने लग गया तो आप किसी और के नेटवर्क में क्या चल रहा है जान लेंगे आराम से। नहीं नहीं, कैसे जान लोगे, वो ब्रॉडकास्ट करेगा मेरे पास आ जाएगा डेटा। हाँ हाँ, वो चीज़ अगर राउटर फॉरवर्ड करेगा ब्रॉडकास्ट, राउटर तो ब्रॉडकास्ट करता है, अगर राउटर किसी के पैकेट को फॉरवर्ड करेगा ना तो यस, वो तो स्लीपिंग चला के कैप्चर मार लेंगे साले, तो है ही, तो फैक्ट है। अगर राउटर इसके ब्रॉडकास्ट को इसके पहुँचाएगा तो पहुँचाएगा तो इसके थ्रू ना, तो मैं यहाँ साला बैठ के इसके राउटर के नीचे बैठ के मैं एक सॉफ्टवेयर चलाऊँगा, यहाँ से जो डेटा यहाँ जा रहा है यहाँ से यहाँ जा रहा है, मैं दोनों को खींच लूँ। सर ऐसा राउटर बना नहीं सकते हैं जो कर देगा वो, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह अगर आप जानते हो तो फिर वो राउटर नहीं कहलाएगा, फिर वो ब्रिज कहलाएगा, ब्रिज, ब्रिज के अंदर ये सिचुएशन होगी। ये तो ब्रिज को हटाया गया, ब्रिज ऐसा करता, ऐसी बात नहीं है, डिवाइस आया, ब्रिज, ब्रिज कहता है। अब राउटर भी दो तरह के, राउटर भी दो मॉड्यूलेट होते हैं, डी मॉड्यूलेट, एक एक होते हैं कि आप उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सर एक्स का, ये देखो एक मॉड्यूलेट वाले टाइप है ये राउटर जो है ना, इनमें हम ऐड ऑन लगा सकते हैं, मतलब ये छेद बने हुए दिखाई दे रहे इतने बड़े बड़े, इन राउटर्स में हम अलग से कार्ड डाल सकते हैं, मॉड्यूलेट राउटर, ये मॉड्यूलेट हो जाते हैं, मतलब अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। एक होते हैं नॉन मॉड्यूलेट, नॉन मॉड्यूलेट का मतलब क्या होता है, जो फिक्स होते हैं, जो आपके घरों में लगे होते हैं, घरों के राउटर में आप कुछ छेड़खानी कर सकते हो ना, कुछ अलग से कार्ड लगा सकते हो ना, पर वो भी उसको भी तो राउटर बोलते ही, वो तो तुम्हें फेसबुक से जोड़ता है, कनेक्टिविटी कराता है, तो नॉन मॉड्यूलेट है ये, मॉड्यूलेट है, ठीक है ना। तो समझ आया राउटर का किस्सा, समझ आया राउटर का वर्किंग प्रोसेस समझ आया। चलो अब एक क्विज खेलते हैं, ठीक है जी, अब एक छोटा सा क्विज खेलते हैं, ये है डिफरेंशिएट बिटवीन द डिवाइसेस। ये तीन डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले रिवाइज कर लेते हैं उस चीज़ों को, ठीक है ना। मैं एक एक से पूछूंगा तो मुझे बताएगा। आप बताओ हब का कोई भी एक फीचर,
नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस, हाउ, कैसे कह सकते हैं? इट इज़ ब्रॉडकास्ट टू ऑल, ठीक है। हाँ भाई आदित्य आप बताओ, स्विच की एक खासियत? क्या क्या उसको वर्ड वर्ड क्या कहते हैं? वर्ड बताओ, वर्ड क्या वर्ड होता है उसका? कॉपी देख ले, कोई बात नहीं, देख ले, कॉपी देख के बता दे अगर लिखा है। क्या वर्ड होता है वो? स्विच के अंदर क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं सेपरेट कोलिजन, सेपरेट कोलिजन होता है, ठीक है। आप बताओ, हब ये कह रहे थे सबको ब्रॉडकास्ट करता है, क्यों? क्यों सर, उसको किसी का भी एड्रेस नहीं पता। बिल्कुल, हब को कोई भी एड्रेस पढ़ना नहीं आता। आप हब में और स्विच में एक डिफरेंशिएट बताओ, डिफरेंशिएट जो इन्होंने बता दिए वो नहीं, उससे अलावा। बिल्कुल, क्योंकि स्विच के अंदर अगर कोई कोलिजन आया तो वो अलग अलग जगह पे जा सकता है, वो सब कुछ चीज़ें कर सकता है। हाँ जी, स्विच ऐसा कर क्यों सकता है कि वो हर किसी कोलिजन को सेपरेट सेपरेट लेके चला जाता है, ऐसा क्यों? क्या होता है स्विच के पास उसके सेपरेट पोर्ट होता है? सेपरेट पोर्ट तो हम में भी होते हैं बाबू, अलग 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 होते हैं। हाँ, स्विच के हर पोर्ट पे जो डिवाइस लगा होता है उसके मैक एड्रेस को वो रीड कर लेता है, उसे पता होता है मेरे किस पोर्ट पे कौन सा डिवाइस लगा है, तो वो कोलिजन उसी को इफेक्ट करेगा और दूसरे बंदे को नहीं करेगा, ठीक है जी। हब की स्पीड कितनी थी और हब कितने तरीके के आते थे? 10 Mbps। कितने तरह के थे? दो तरह के, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव जिससे पावर की ज़रूरत होती है, पैसिव जिससे पावर की ज़रूरत नहीं होती है। हब कौन से डुप्लेक्स मोड पे चलता है और स्विच कौन से डुप्लेक्स मोड पे चलता है? फुल डुप्लेक्स पे चलता है। हब मतलब एक टाइम पे डेटा सेंड करता है तो चुपचाप सेंड करेगा जब तक कि रिसीव नहीं होगा, सेंड होने के बाद ही होगा, और स्विच दोनों काम सिमल्टेनियसली कर सकता है। क्लियर हो गया? राउटर सेल्फिश क्यों? टर्मिनेट कर देता है। तो राउटर कैन नेवर फॉरवर्ड, कभी नहीं कर सकता राउटर फॉरवर्ड नहीं करता ब्रॉडकास्ट को, पर राउटर कैन ब्रॉडकास्ट। राउटर के तीन फीचर्स, कौन से एड्रेस पे चलता है राउटर? आईपी। पहला फीचर हो गया क्या आईपी एड्रेस पे चलता है। दूसरा वो तो उसने बता दिया ना, दूसरा नया बता ना भाई। राउटर यूज क्यों करते हैं? रिमोट रिमोट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए रूट प्रोवाइडर, ये बोला था कि राउटर इज यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। सेम नेटवर्क पे तो स्विच भी कर लेगा, पर डिफरेंट नेटवर्क पे कनेक्टिविटी करनी है तो राउटर चाहिए चाहिए। आगे मैनेजेबल और नॉन मैनेजेबल कैसे? मैनेजेबल जो मतलब खुद से कोडिंग करके सेटिंग कर सके, और नॉन मैनेजेबल जो जैसे नॉर्मल हाउस में लगते हैं राउटर। मैनेजेबल मतलब मॉड्यूलेट, मॉड्यूलेट मतलब तुम इनमें ऐड ऑन कार्ड वगैरह एक्स्ट्रा लगा सकते हो, मॉड्यूलेट कर सकते हो अपने हिसाब से। और नॉन मॉड्यूलेट मतलब होता है कि हम उनमें कार्ड वार्ड एक्स्ट्रा कुछ लगा नहीं सकते, ठीक है ना। यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग मतलब कमांड्स वगैरह रन कराते हैं, बाकी अब पे हमारी कमांड्स वगैरह का कोई ऐसा इशू नहीं होता है। समझ आया? एक बार खुद से रिवाइज करने को मिलता है तो अच्छा रहता है, ठीक है ना। अब तीसरे चौथे डिवाइस पे चलते हैं। चौथा डिवाइस मतलब बोलने के लिए, जिसका नाम है रिपीटर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रिपीटर इज़ यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स। मतलब आपके पास कोई सिग्नल आ रहा है, जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो फ्रिक्वेंसी आगे वो फॉरवर्ड कर देता है, इसलिए रिपीटर का। केबल टीवी में यूज़ होता है। हाँ,
रिपीटर में ऐसा कुछ नहीं होता, वो जस्ट लाइक एम्पलीफायर, रिपीटर इज यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स, ठीक है ना। जो नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडेम। नाम तो सुना ही, क्या होता है? यस हैकर, वो हैकर हमको पूछ रहा है सर। हाँ तुम्हों को पूछ रहे हैं यार, तुम्हें तो है हैकर हमारे यहाँ पे सर। वो शायद मेरे ख्याल से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग को डिजिटल कन्वर्ट करने का काम करता है। बिल्कुल सही बात है। मॉडेम इज यूज टू मॉड्यूलेट द सिग्नल एंड डी मॉड्यूलेट टू मॉड्यूलेट द सिग्नल्स। मॉडेम नॉर्मली लगता कहाँ पर है? जहाँ पर टेलीफोन की लाइन, सिर्फ टेलीफोन लाइन में मॉडेम मिलेगा आपको, वैसे नहीं मिलेगा। जब आप कहते बोलते हो ना टेलीफोन लाइन मतलब इंटरनेट कनेक्शन आता है, क्या सिनेरियो होता है? यह आपका पीसी होता है, ठीक है जी। इस पीसी में एक तार लगी होती है जो आपके मॉडेम से कनेक्टिविटी होती है। इस मॉडेम से तार आपके किसी घर में डब्बी लगी होती है, उस डब्बी में एक पॉइंट और लगा होता है जो आपके, इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिटर। डब्बी का नाम होता है स्प्लिटर। उस डब्बी में से एक तार जाती है जो आपके घर में कोई बाहर बॉक्स होता है, बॉक्स के थ्रू वो कनेक्ट होता है किसी न किसी एक्सचेंज सर्वर। आपके गली मोहल्ले पड़ोसी में एक्सचेंज सर्वर, कहीं ना कहीं एयरटेल का एक्सचेंज सर्वर तो होगा, जहाँ से हमारी लाइन जारी होती है और वो एक्सचेंज कनेक्ट होता है दूसरे जगह पे, दूसरे एक्सचेंज। अब दूसरे एक्सचेंज में भी एक घर पे कनेक्शन आ रहा है तो वहाँ पे लगी होगा स्प्लिटर, और स्प्लिटर में से दो तारे आएंगी, एक लगेगी टेलीफोन में और दूसरी तार लगेगी मॉडेम में, और मॉडेम से हमारी कनेक्टिविटी होती है पीसी में। ऐसे चलता है इंटरनेट, टेलीफोन इंटरनेट, एमटीएनएल इंटरनेट, एयरटेल का इंटरनेट, ऐसे चलता। हम यहाँ पे होते हैं, हम किस तरह का सिग्नल सपोर्ट करते हैं? कंप्यूटर अंडरस्टैंड विच टाइप्स ऑफ सिग्नल, तो कंप्यूटर को डिजिटल समझ आता है, डिजिटल किसी बात से कुछ समझ नहीं आता। पर हमारे टेलीफोन में किस तरह का सिग्नल होता है? एनालॉग। तो भाई सर जब जैसे ही इसको सिग्नल भेजते हैं ये भाई सब ये हाथ जोड़ते हैं, नैना बेरा क्या दे रहे हो, मुझे नहीं समझ आता भाई सर। ये कहता है अच्छा ठीक है मैं तो डिजिटल ही भेजूँगा। तो मैंने डिवाइस लगा लिया मॉड्यूलेट, मैंने डिवाइस लगा लिया मॉड्यूलेट करने के लिए। मॉड्यूलेट मीन्स कन्वर्ट डिजिटल टू एनालॉग। भाई अच्छा तू नहीं समझता कोई बात नहीं, मैं तेरे को एक डिवाइस लगा देता हूँ, इसका नाम है मॉड्यूलेट मॉडेम। अब मॉडेम इसको मॉड्यूलेट करेगा, मॉड्यूलेट करने के बाद उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, एनालॉग में। डिजिटल ये सिग्नल होते हैं डिजिटल, अब इसको कन्वर्ट मॉडेम ने किसमें कर दिया, मॉडेम ने कन्वर्ट कर दिया किसमें। अब एनालॉग सिग्नल्स आपके यहाँ से ट्रांसमिट 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 यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे तो यहाँ तक सिग्नल अभी भी क्या आ रहा है? पर कंप्यूटर कहता मुझे नहीं पता भाई एनालॉग सिग्नल्स, आई नेवर नो अबाउट द एनालॉग सिग्नल्स। मॉडेम कहता टेंशन मत ले मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ, अब तो समझ जाएगा। उसे कहते हैं डीमॉड्यूलेट, मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट। तो ये पूरा सिनेरियो होता है जब कभी आप टेलीफोन लाइन से इंटरनेट चलाते हैं, इस तरीके से आपके मॉडेम को हम लोग यूज करते हैं फॉर मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट द सिग्नल्स, डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल। बनाना है बना लो, फिर मैं नेक्स्ट कराऊंगा।
करें आगे कंटिन्यू सुना लिया। चलो जी, तो ये कहानी थी मोड। अब एक डिवाइस और होता है, हालांकि डिवाइस नहीं है, इट्स काइंड ऑफ पार्ट। वो एक पार्ट अगर हम लोग उसको डिवाइस की कैटेगरी में रखते हैं, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये एक ऐसा कार्ड होता है जो आपको नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब जो आप यहाँ पे जो ये पोर्ट देख रहे हैं, ये जो पोर्ट देख रहे हो, इनमें जो ये तारें लगती है, ये जो तारें लगती है, ऐसी हमारे कंप्यूटर में भी एक जगह होती है जहाँ पे हम इस तार को लगाते हैं। तो वो जगह जहाँ पे होती है ना, उसको कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हालांकि आजकल ये ऑनबोर्ड आते हैं, ऑनबोर्ड मतलब लगे लगाए आते हैं, पहले इनको कार्ड को लगाना पड़ता था। अगर आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहते हो तो इट इज़ रिक्वायर्ड यू हैव अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यू मस्ट हैव नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो सरल भाषा में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज़ यूज टू कनेक्ट विद टू द नेटवर्क। अगर आपको किसी नेटवर्क से कनेक्ट होना है तो आपके पास एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए। अब ये कार्ड दो तरह के क्या आते हैं, एक तो NIC होता है, एक होता है WNIC। एक तो NIC होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एक होता है वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसमें क्या लगा होता है, इसमें एंटीना लगा होता है, इसमें तार नहीं लगती है, इसमें एंटीना लगा होता है, और एंटीना से वो सिग्नल्स कैप्चर करता है और सिग्नल कैप्चर करके वो कनेक्ट होता है, जैसे कि वाईफाई। तो इसको वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस कार्ड विदाउट वायर। समझ आया है नहीं आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिवाइस, क्योंकि इसके बिना हमारी नेटवर्किंग कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। अभी जो हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो हम डिवाइस अटैच करते हैं उसका पोर्ट का नाम होता है जो हम लोग कनेक्टिविटी करते हैं ना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की, वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की कनेक्टिविटी करने के लिए जो हम लोग पोर्ट यूज़ करते हैं उस पोर्ट का नंबर मतलब नाम होता है RJ45। रजिस्टर ऐसा नाम क्यों रखा है? रजिस्टर जैक है और 45 है। 45 का क्या मतलब? डायमीटर वगैरह कुछ होता है इसका, भाई एग्जैक्ट वैल्यू आज तक कभी समझ नहीं आई 45 क्यों रखा है। 45 इसका स्पेस वो रखा है साइज़ क्योंकि साइज़ इसका हमेशा स्टैंडर्ड ही मिलेगा, ऐसे वैसा तो नहीं मोटे वाला बड़ा वाला हमेशा इसके साइज़ एक ही आता, तो डायमीटर वगैरह का साइज़, ठीक है ना। इसे कहते हैं रजिस्टर जैक 45। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपका USB भी आता है, ये आपका कार्ड भी आता है, और ये आपका ऑनबोर्ड भी आता है, जैसे लैपटॉप में ऑनबोर्ड होता है। लैपटॉप में तो अलग से कुछ नहीं होता ना, एक चिप लगी होती है और चिप के थ्रू कनेक्टिविटी करते हैं, इतना अच्छा होता है। क्लियर है? यस सर। इनेबल लैन कार्ड होता है? हाँ जी सर, इनेबल लैन कार्ड। दो तरह के लैन कार्ड होते हैं, एक लैन कार्ड जो वायर से चलते हैं, एक होता है वाईफाई लैन कार्ड। दोनों एक ही बात है, मतलब इनका दोनों का मेन मोटो एक ही है, इनका दोनों का मेन मोटो एक ही है, सिर्फ लैन को कनेक्ट करने के लिए। कभी भी आप यहाँ से बैठे बैठे फेसबुक को इससे थोड़ी कनेक्ट करते हैं, इससे आप सिर्फ अपने वाईफाई की डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, हमेशा लैन कनेक्टिविटी के लिए होता है। और लैन कनेक्टिविटी के थ्रू आपकी वैन कनेक्टिविटी होती है, क्योंकि वहाँ पे वैन की कनेक्टिविटी आई हुई है, मैं उसको कनेक्ट करूँगा और वहाँ उसके थ्रू मैं आगे फॉरवर्ड करूँगा, आगे जाऊँगा, उसके थ्रू मैं आगे जाऊँगा। क्लियर है? ठीक है जी। अब आपके और भी वैसे अगर वैसे बोले जाए तो और भी बहुत सी चीज़ें आती है। एक चीज़ आती है वर्क स्टेशन, एक वर्ड आता है, ठीक है ना, वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आप लोग काम करते हो उस कंप्यूटर को वर्क स्टेशन बोला जाता है, जहाँ पे आप कोई टास्क परफॉर्म करते हो, वर्क परफॉर्म करते हो। अब कई जगह उसको नोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड, NODE, नोड। नोड भी वही चीज़ होती है, पर जहाँ इसको बोला जाता है ना क्लाइंट अलग चीज़ होती है। होता वो भी फिजिकली डिवाइस वैसे ही है, पर क्लाइंट मतलब वो किसी ना किसी डोमेन का क्लाइंट होगा। याद है लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था कि एक होता है वर्क ग्रुप और एक होता है डोमेन। तो वर्क ग्रुप में जो डिवाइसेज होते हैं वो वर्क स्टेशन होते हैं, उन्हें वर्क स्टेशन कहते हैं।
वहाँ पे कोई सर्वर नहीं होता, कोई क्लाइंट नहीं होता, इसलिए वहाँ पे डिवाइस काम करने वाले या तो होते हैं नोड या होते हैं वर्क। बट जहाँ पर डोमेन की बात आ जाती है, वही डोमेन इज़ अ एरिया वेयर द सर्वर एंड क्लाइंट रिलेशनशिप, यहाँ पे सर्वर भी होता है, क्लाइंट भी होता है, उनके बीच में रिलेशनशिप भी होता है और कम्युनिकेशन भी होता है। तो वहाँ पे जो डिवाइसेस होते हैं उन डिवाइसेस को क्या बोला जाता है, उन डिवाइसेस को बोला जाता है क्लाइंट्स। तो ये कभी भूलना मत कि उनको हम क्लाइंट्स के नाम से जानते हैं। क्लाइंट मतलब वो किसी न किसी के मेंबर है, किसी न किसी के मेंबर है। तो मेंबर होंगे तभी क्लाइंट होंगे, वरना आप उसे क्लाइंट नहीं बोल सकते। तो जहाँ सर्वर होगा वहाँ क्लाइंट होगा, और क्लाइंट के बिना सर्वर नहीं, सर्वर के बिना क्लाइंट। पर वर्क ग्रुप में ऑलवेज वर्क स्टेशन, ऑलवेज नोड, वहाँ कोई रिलेशनशिप नहीं होता। क्लियर है? एनी डाउट क्वेश्चन? तो सर्वर क्या होता है? तो क्लाइंट तो पता लग गया, सर्वर क्या होता है? क्योंकि ये भी एक तरह का डिवाइस है। अब ये बोलते हैं ना सर्वर पड़ा, वही सर्वर पड़ा हुआ कोने पे नीचे, पीछे वो दो तीन लगे हुए सर्वर है, उन्हें सर्वर कहते हैं। हार्डवेयर डिवाइस भी होता है सर्वर, इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है सर, इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है। सर्वर इज द मेन एडमिन कंट्रोलर, मेन एडमिन कंट्रोलर और कुछ नहीं हो सकता। बेसिक सर्वर का मतलब, सर्वर का मतलब क्या होता है? रिसोर्स जो प्रोवाइड करता, सर्व द सर्विसेज, बस नाम में ही छुपा है उसका आंसर भाई। सर्वर मतलब प्रोवाइड द सर्विसेज, सर्वर इज यूज टू प्रोवाइड द सर्विसेज। विच काइंड ऑफ सर्विसेज, इट्स डिपेंड। अगर आपने सर्वर बनाया हुआ आईपी एड्रेस देने वाला, तो सबको क्या देगा? आईपी। अगर आपने ऐसा सर्वर बनाया जो नेम टू आईपी, आईपी टू नेम रिजॉल्व करता है, तो डीएनएस सर्वर होता है अपने आप में, तो वो रिजॉल्व करने का काम। अगर आपने एक ऐसा सर्वर बनाया हुआ जिसे हम लोग सुस सर्वर कहते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट सर्वर, तो वो क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर देता है एक दूसरे को, उसे सुस सर्वर कहते हैं। तो इट्स डिपेंड करता है। बस सर्वर ऑलवेज 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 प्रोवाइड द सर्विसेज और कुछ नहीं है। हाँ, कंट्रोलर अगर आप डीसी बोलते हो उसको, तो डोमेन कंट्रोलर की पावर भी उसके पास है, तभी उसको कहते हैं सर्वर। क्योंकि कुछ उसके पास एडिशनल पावर्स होती हैं जिनके बिहाफ पे वो क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब क्लाइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्लाइंट एक ऐसा डिवाइस होता है जो सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर के द्वारा दी गई सर्विसेज को यूज़ करता है बस। और वो हमेशा एक लिमिटेड एरिया में काम करता है, हमेशा एक लिमिटेड एरिया में काम करता है। क्लियर है? एनी डाउट क्वेश्चन? ऐसी एक और डिवाइस आता है जिसका नाम होता है फायरवॉल, आग की दीवार। ये फायरवॉल जो बेसिकली होती है ना, उसका काम होता है रिस्ट्रिक्शन लगाना। फायरवॉल इज़ अ कंडीशन ऑफ परमिट एंड डिनाय, कि आप किसको परमिट करना चाहते हो और किसको डिनाय करना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे कुछ मलिशियस चीज़ें मेरे नेटवर्क में घुस सकती है, तो यू कैन अप्लाई द कंडीशन डिनाय कि वो मेरे नेटवर्क में ना आए। और आपको लगता है कि मेरे नेटवर्क वाले कमीने हैं, साले गंदी गंदी साइटें खोलते हैं, गंदी गंदी इंफॉर्मेशन बाहर भेजते हैं, तो यू कैन ब्लॉक। अगर अच्छे लोग हैं, यू कैन परमिट। फायरवॉल बहुत अच्छा डिवाइस होता है। बेसिकली फायरवॉल इज यूज टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, सिंपल भाषा। Firewall is used to prevent unauthorized access. Clear है? ठीक है ना? और भी devices वैसे बहुत आते हैं, ठीक है ना? ये कुछ main devices जो networking में use किए जाते हैं, router होगा, switch होगा, वो सब कुछ होगा। कई बार आपको एक device और भी सुनने को मिलेगा, जिसे कहते हैं access server। ये एक्सेस सर्वर क्या होता है? जब कभी हम लोग मल्टीपल राउटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं ना, हमें ऐसे सर्वरों की जरूरत पड़ती है, एक्सेस सर्वर। ये एक्सेस सर्वर होता है जिन पे ना ये सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं। तो कल को हम लोग हर किसी डिवाइस पे जाके अलग 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 कनेक्ट करके उनको यूज़ नहीं करेंगे।
क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, हर डिवाइस को इंड्यूसली कनेक्ट करना पड़ेगा और इंड्यूसली उसको कन्फिगर करना पड़ेगा। पर हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं किसी एक को एक्सेस करें उसमें सबको एक्सेस कर ले, तो उसे कहते हैं एक्सेस सर्वर। एक्सेस सर्वर इज यूज टू प्रोवाइड द इंटरफेसेस ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस। भाई इसकी वजह से ना हमारे पास इनके इंटरफेसेस आ जाएंगे अपने आप, मैं इसको कनेक्ट करूँगा और इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी होगी, वो पहले करनी पड़ती है। वो होने के बाद मैं लिखूँगा राउटर वन तो राउटर वन एक्सेस, मैं लिखूँगा राउटर टू तो राउटर टू एक्सेस हो जाएगा, मैं लिखूँगा राउटर थ्री तो राउटर थ्री एक्सेस हो जाएगा, मैं लिखूँगा राउटर फोर राउटर फोर एक्सेस, मैं लिखूँगा स्विच वन तो स्विच वन, ऐसे स्विच टू स्विच थ्री स्विच फोर। अब इसके पीछे तारे लगती हैं और तारों के हिसाब से डिफाइन होता है कि आप एक से ज़्यादा भी कनेक्ट कर सकते, एक एक्सेस सर्वर से चार से ज़्यादा भी डिवाइसेस कनेक्ट, चार ये चार वो चार वो चार वो, ऐसे एसिंक्रोनस मोड कनेक्टिविटी होती है। पीछे आपको वहाँ उस सर्वर में पीछे यहाँ से देख लेना आपको दिखाई देगी, उसके अंदर ट्वेल्व एक्सेस है, एक ही एक्सेस सर्वर से मैं वो वाली रैक भी एक्सेस कर सकता हूँ, उसके साथ वाली भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे इस एक्सेस सर्वर से सिर्फ ये ही एक्सेस कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। क्लियर है? तो एक्सेस सर्वर भी आपको बताऊँगा, डिफरेंट थिंग। साइबरोम इज जस्ट लाइक अ सिंपली अ फायरवॉल एंड UTM यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट। उसमें हम लोग किसी को इंटरनेट चलाने से रोक भी सकते हैं, उसकी कंडीशन लगा सकते हैं, परमिट कर सकते हैं कि तू इतना चला सकता है, एक दिन में कितना डाउनलोड करे वो भी कर सकता है, किसी तरह का कोई इंट्रूजन आता है घुसपैठ करने की कोशिश वो भी पकड़ता। बैंडविड्थ मैनेजमेंट है, हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि इतने लोगों को इतनी बैंडविड्थ, सब कुछ, बहुत कुछ है साइबर, बहुत बड़ी चीज़ है फायरवॉल प्लस UTM यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट। आजकल UTM चला, आजकल फायरवॉल नहीं यूज़ होती है, आजकल UTM यूज़ होती है। लगी हुई है क्या साइबर कहाँ लगी है? डिफेंस हाँ अभी साइबर मेरे कॉलेज के अंदर भी लगी हुई है, मैं पढ़ाता हूँ ना उस कॉलेज के अंदर मैंने साइबर लगा रखी है, बच्चे परेशान करते हैं उसमें बहुत चीज़ें कर रहे हैं। हमारा भी ऐसे ही साइंटिस्ट बी को लग बैंड भी, हाँ साइंटिस्ट डी को लग बैंड भी, साइंटिस्ट जी को लग बैंड देना पड़ता है कि उस हिसाब से मैनेज की जाती है। कईयों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है तो उनको ज़्यादा देनी पड़ती है, कईयों की कुछ नहीं होती सर्फिंग करनी होती तो उनको कम दे देते हैं। एक दिन की लिमिट भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक दिन में बंदा इतना ही इंटरनेट चला सके, मतलब इतना ही डाउनलोड कर सके, उससे ज़्यादा नहीं कर सके। साइटें रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, हम कुछ वर्ड लिख देते हैं जैसे सॉन्ग्स, तो पूरे नेटवर्क के अंदर सॉन्ग्स कहीं पे भी आएगा ना सारी वो साइट ही नहीं खुलेगी। बहुत कुछ करता है UTM यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट, उसके एग्जांपल है साइबर UTM यूनिफाइड थ्रेट मतलब होता है ना वार्निंग, थ्रेट मैनेजमेंट यूनिफाइड UNIFIED यूनिफाइड थ्रेट THREAT वाला थ्रेट मैनेजमेंट यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट। तो उस दिन हमने थोड़े नेटवर्क्स के बारे में भी डिस्कस किया था, तीन तरह के नेटवर्क्स के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। एक होता है इंट्रानेट, ठीक है, दूसरा आपका होता है इंटरनेट, और तीसरा आपका होता है एक्स्ट्रा, ठीक है ना, इंट्रा इंटर एंड एक्स्ट्रा, बताया तो नहीं था ना मैंने उस दिन, ठीक है। यार बहुत सारे स्टूडेंट इधर साथ क्यों नहीं आया, मैसेज कर दिया आज नहीं आ पाया, मैं ग्रुप बनाऊंगा यार, अभी पेपर लेके आता हूँ हम लोग के सबके नाम वाम वगैरह लिखवा लेता हूँ ना, फिर ग्रुप पे मैसेज डालना सबको, एक उनमें से कोई एक स्टूडेंट सबके फ़ोन नंबर सेव कर लेना, ठीक है ना, तुम लोगों से ग्रुप बना लेना, मुझे एडमिन बना देना बस, ठीक
है ना, मेरे पास यार बहुत सारे स्टूडेंट के नंबर सेव हो गए हैं, अपने फ़ोन में बना लेना, कोई एक स्टूडेंट बना लेना, ठीक है ना, सी सी एन ए 5 2 7 3 2 पर। इंट्रा नाम से पता लग रहा है, इंट्रा मतलब विद इन अ, विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन लाइक एप्ट्रॉन। तो एप्ट्रॉन में जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं ये आपस में इंटर कनेक्टेड है और बस यहीं तक कनेक्टेड है, इनकी कनेक्टिविटी बाहर नहीं है और बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता, इसलिए इंट्रा मतलब विद इन अ नेटवर्क कम्युनिकेशन, विद इन अ नेटवर्क कम्युनिकेशन। यहाँ पे एक ही नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन होता है और बाकी में कम्युनिकेशन नहीं होता। इंट्रानेट जैसे तरीका एस्टैब्लिश अ नेटवर्क विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन या विद इन अ स्कूल, विद इन अ ऑफिस, विद इन अ स्कूल, विद इन अ बिल्डिंग, जो हम कम्युनिकेशन करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वहीं तक सीमित है, उस नेटवर्क को हम लोग नाम दे देते हैं इंट्रा, इंट्रानेट, इंट्रानेट नेटवर्क। सेकेंड वन आपका आता है इंटरनेट। इंटरनेट मीन्स जब दो इंट्रा, मतलब जब दो इंट्रा, जैसे ये इंट्रा है वो एक इंट्रा है, इन दोनों इंट्रा को आपको जोड़ना है तो वाया दिस, या आपने एक इंट्रा को दूसरे इंट्रा को आपस में जोड़ना है तो आपको बीच में लगाना पड़ेगा इंटरनेट। तो इंटरनेट इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रानेटवर्क, इंटरनेटवर्क। तो साला एक्स्ट्रा क्या है सर? इंट्रानेट को हम लैन भी तो बोलते हैं सर। तो वही तो बोल रहा हूँ ना, विदिना मतलब लैन ही तो है और इंटर मतलब वैन। तो फिर अलग नाम देने का कोई फायदा मतलब कुछ नहीं। कई बार एक्चुअल में ना लैन वर्ड सुनने को नहीं मिलेगा, कई बार आपको वर्ड सुनना पड़ता है कि यार मेरे इंटरनेट में इशू आ रहा है इंट्रा। तो आप टेक्निकल वर्ड्स को ध्यान रखें, क्योंकि इंटरव्यू में लैन फैन नहीं बोलते हो, इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि मेरा इंट्रा नेटवर्क और इंटरनेट से कनेक्टिविटी कराएंगे तो कैसे कराओ। टेक्निकल वर्ड्स की बात होती है, लैन वैन तो जनरल वर्ड्स है, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं। तो इंट्रा मतलब विद इन और इंटर मतलब बिटवीन। सर एक्स्ट्रा क्या है? इंटर हो गया, इंट्रा हो गया, सारा एक्स्ट्रा क्या है? क्योंकि इंटर में इंटर आ गया और इंटर में दोनों आ गए, सारा एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा मतलब मान लो ये आपका इंट्रा है, ठीक है, और यहां पर आपका एक इंटर चल रहा है, अब मैं अपना यहां से जगह छोड़कर मैं किसी दूसरे इंट्रा में चला गया, अब मुझे वहां से अपने इंट्रा को एक्सेस करना है थ्रू द इंटरनेट। तो इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो अनसिक्योर होता है, इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क, दैट्स व्हाई इंटरनेट इज अनसिक्योर, इसलिए इसे अनसिक्योर नेटवर्क भी बोलते हैं। तो कई बार अगर आप लोग टेक पढ़ो तो कहीं पे अगर अनसिक्योर नेटवर्क लिखा होगा ना, इसके मतलब समझ लेना वो इंटरनेट की बात कर रहा है, क्योंकि इंटरनेट इज नॉट सिक्योर, इंटरनेट इज नॉट सिक्योर। अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है ना, आपके 99% चांस है हैक होने के, इसको तो अच्छी होती है कि हमारा नंबर नहीं लगता, यस आपके चांस। पर अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इंटरनेट का यूज करके अपने इंट्रानेट को एक्सेस कर रहा है मगर सिक्योर चैनल की वजह से, क्या करेंगे हम लोग? वी आर क्रिएट अ टनल, वी आर क्रिएट अ टनल ओवर द इंटरनेट टू एस्टैब्लिश अ इंटरनेट, मतलब एक्स्ट्रा नेट इज यूज टू क्रिएट अ इंट्रानेट ओवर द इंटरनेट। इसको कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आपका वाला वीपीएन नहीं, आप वीपीएन प्रॉक्सी यूज करते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ये अलग चीज है। अगर इसमें एक सिक्योर नेटवर्क बन जाता है, एक टनल बन जाती है, सुरंग, उसमें आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो पब्लिक नेटवर्क है यहाँ पे, मगर आपका एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। इट इज यूज टू क्रिएट अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ओवर द पब्लिक नेटवर्क, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वीपीएन। ठीक है, मैं अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ, बंद करो रिकॉर्डिंग।